Alright, so many of you were requesting me to make these type of video. I mean, the second series of 304 of IPC. So, video is here about 304B of IPC क्या होती है. तो आज हम बात करेंगे कि section 304B of IPC क्या होता है. बिल्कुल सरल शब्दों में. कोई बेरेक्ट की लैंग्वेज नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, इंग्लिश का वर्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. बिल्कुल सरल शब्दों में देसी, जैसे कोई माँ समझाती है बिल्कुल हिंदी में प्यार से. So, let's start it. Intro. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. तो 304B of IPC deal करती है dowry से, यानी कि dowry death, death by dowry. किसी की दहेज से मृत्यु हो जाना, किसी वाइफ की दहेज के कारण मृत्यु हो जाना, तब ये अप्लाई होती है. तो पहले मैं आपको इसके प्रोविजंस बता देता हूँ, बाद में एक लाइव एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जिससे कि आपको बेटर क्लियर होगा. तो इसमें क्या है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इसमें 7 साल की सजा है. अगर प्रूफ हो जाता है तो 7 साल की सजा होती है. नाउ टेक एन एग्जांपल. सपोज एक वाइफ है, वो मैरिज करके अपने हस्बैंड के घर आई, तो ड्यूरिंग 7 ईयर उसकी 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो गई. यानी कि कोई कुछ नहीं था उसे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई चिकन पॉक्स नहीं था, कोई भयंकर बीमारी नहीं थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई. तो ये कंसीडर किया जाएगा कि वो जो डेथ है वो dowry के कारण हुई है, यानी कि ससुराल वाले ने उसको मारा पीटा है. तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कंसीडर कर लिया जाता है 7 साल के अंदर कि जो डेथ है वो dowry के कारण हुई है, यानी कि उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की है तब उसकी डेथ हुई है. तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो प्रूफ होता है वो हस्बैंड के ऊपर होता है, उन्हें प्रूफ करना पड़ता है. या तो आप प्रूफ करो कि ये जो डेथ है वो किसी कारण हुई है, या फिर कोई अननेचुरल कोई भी एक्टिविटी है, कुछ और है. अगर प्रूफ नहीं कर पाते तो ये कंसिडर किया जाता है कि जो डेथ है वो dowry के कारण हुई है, और ससुराल वालों पे केस चलता है और उन्हें 7 साल तक की सजा होती है. सो आई होप इट इज़ क्लियर नाउ.